Hi everyone, welcome back. 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 Hi everyone, so welcome back to my channel and those who are new, hi, my name is Anshrika. So, कुछ time से मुझे बहुत सारे comments आ रहे थे related to दीदी Flipkart haul लेके आओ, Flipkart पे अभी sale लगी हुई है, please हमारे साथ Flipkart haul share करो. So, मैंने जैसे ही खोला Flipkart पे, मुझे अभी इतनी अच्छी sale मिली and मुझे बहुत सारे offers मिले वहाँ पे. So, मैंने सोचा spring season भी आ रहा है, like ठंड अभी जो है ना वो बहुत हद तक कम हो गई है एंड कम होती जाएगी. So, इसलिए हम ऐसे products pick up करते हैं जो इस season के लिए best हो. Like February to March के लिए आप ऐसा नहीं कर सकती कि आप डायरेक्टली समर्स के कपड़े स्टार्ट कर दें. आपको जैकेट्स वगैरह और जो स्वेटशर्ट्स आती है ना वो अभी भी जरूरी है. सो इसलिए आज की वीडियो के लिए मैंने बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स पिकअप करे हैं जो आप इस सीजन में वेयर कर सकते हैं एंड ये अभी आपको इतने अच्छे डिस्काउंट्स में मिलेगा ना. सो या प्लीज गो एंड चेक ऑल द प्रोडक्ट्स. मैं सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी एंड या विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो. सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फ्लिपकार्ट के बारे में बता दूंगी. फ्लिपकार्ट पे अभी बहुत अच्छी सेल लगी हुई है एंड उसके अलावा आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे. Like, जो भी इन्फ्लुएंसर्स को आप देखते हैं ना कलेक्शन आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे क्योंकि वहां पे कलेक्शन रिफ्रेश होता है एवरी वीक. तो आपको हर हफ्ते नया कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा. प्लस इसके अलावा आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मिलते हैं वो भी क्वालिटी एश्योरेंस के साथ. दैट इज 6 क्वालिटी चेक्स. आप फ्लिपकार्ट पे वर्नैक्युलर लैंग्वेज में शॉप कर सकते हैं. Also, Flipkart is best value for money platforms. Like 10 lakh plus items आपको मिलते हैं and starting with just ₹199. So, इन सारे points को cover up करके हम ये definitely बोल सकते हैं ऐसे थोड़ी बन गया इंडिया का fashion capital. So, पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं. मेरे पास कुछ ये सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके साथ शेयर करने के लिए एंड ऑलमोस्ट अभी आपको 40-80% ऑफ मिल जाएगा विंटर वेयर पे बिकॉज विंटर ऑलमोस्ट जा चुकी है. बट इस कैटेगरी में आपको बहुत सारे जैकेट्स मिल जाएंगे अभी जो आप डेफिनेटली पिकअप कर सकते हैं इस स्प्रिंग सीजन में. सो आई विल स्टार्ट विद टोक्यो टॉकीज बिकॉज टोक्यो टॉकीज पे आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं. मैंने अभी परचेज करा है रिसेंटली टोक्यो टॉकीज से एंड मिनिमम आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा टोक्यो टॉकीज से. आई थिंक मैंने बहुत सारे इस बार टोक्यो टॉकीज से ही पिकअप कर लिए. So, हम स्टार्ट करेंगे स्वेटशर्ट्स. एंड यू गाइस नो अभी इतना ज्यादा वेदर भी चेंज नहीं हो गया है कि हम अभी स्वेटर्स पहनना बिल्कुल बंद कर दें. सो इसलिए इस मौसम के लिए ये जो हुडीज रहती है ना ये बेस्ट रहती है बिकॉज ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं है. आपको बहुत ज्यादा हैवी स्वेटर्स नहीं चाहिए अभी. दिस इज बेसिकली अ क्रॉप हुडी एंड ये मैंने लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर. द कलर इज वेरी प्रिटी एंड इसमें व्हाइट कलर का कुछ प्रिंट बना. आई थिंक कैट है या डॉग. आई थिंक कैट है. सो यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रिंट है एंड ओवरऑल ये यहाँ से क्रॉप है बट इसकी जो स्लीव्स है ना वो ओवर आती है. लाइक ओवर स्लीव्स में आती है. सो यहाँ पे ये आपको स्लीव्स तो फुली आने वाली. ऑल्सो यू कैन सी द फैब्रिक इज लाइक प्रीटी सॉफ्ट. आप पास से देखेंगे तो आप एस्टीमेट लगा सकते हैं इसका फैब्रिक कितना ज्यादा सॉफ्ट है. एंड ऑल्सो प्लीज गेस द प्राइस बिकॉज अगर आपने प्राइस गेस कर लिया ना तो मैं आपको पक्का गिफ्ट देने वाली हूँ बिकॉज इसका प्राइस है 300 रुपीज. लाइक सेल के टाइम पे आपको मिल जाएगा 304 रुपीज का. लाइक अगर हम एवरेज माने तो ये 300 रुपीज का है. तो 300 में आपको इतनी सॉलिड हुडी मिल रही है. मैं ये डेफिनेटली रेकमेंड करने वाली हूँ बिकॉज अभी सेल के टाइम पे आप ठंड के कपड़े खरीद सकते हो बिकॉज ठंड के टाइम पे क्या होता है ना विंटर सीजन में बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है आइटम. लाइक यही हुडी आपको 500-700 की मिल जाएगी बट अभी जो सेल लगी है ना बेसिकली अभी सेल इसलिए लगती है जो विंटर वेयर कलेक्शन है ना उसे अलग करने के लिए. तो अभी आपको इतने अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे. सो इसलिए मैं अभी रेकमेंड करूंगी ये सबसे बेस्ट टाइम होता है शॉपिंग करने के लिए विंटर वेयर का बिकॉज अभी उन्हें ऐसा लगता है कि हम सारे प्रोडक्ट्स अपने अलग कर दें ताकि वो नेक्स्ट विंटर सीजन में नया कलेक्शन लेके आए. So, इसलिए अभी आप ये डेफिनेटली चेक कर सकते हैं. एंड मैंने टोक्यो टॉकी से आई थिंक एक और मैंने हुडी ही पिकअप करी है. आई विल जस्ट शो यू सेकंड हुडी जो मैंने टोक्यो टॉकी से ही पिकअप करी है बिकॉज टोक्यो टॉकीज पे अभी इतनी अच्छी सेल लगी हुई है. लाइक ये मुझे मिली थी 250 रुपीज की. 250 में आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. 265 रुपीज में आपको सेम मतलब जैसा उसका फैब्रिक था ना सेम उसके जैसा फैब्रिक है बट द डिजाइन इज प्रीटी गुड. मुझे चाहिए थी प्लेन ब्लैक हुडी एंड ये ठीक वैसे ही है. लाइक फ्रंट सेक्शन में आपको बहुत सारी हुडीज में यहाँ पे वो पॉकेट्स आते हैं मुझे वैसा डिजाइन नहीं चाहिए था. मुझे वो प्लेन हुडी चाहिए. ये आप जब जॉगर्स के साथ स्टाइल करेंगे ना तब आप मेरा यकीन करो अलग ही लेवल पे दिखेगा आपका आउटफिट बिकॉज ये जो प्लेन हुडीज रहती है ना ये आपके आउटफिट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है. ये भी लाइक वो क्रॉप पैटर्न में ही है बट इसकी स्लीव्स ओवरसाइज में है एंड द प्राइस इज 265 रुपीज. कैन यू बिलीव दिस. एंड ऑल्सो आप साइड में देख सकते हैं कितना ज्यादा क्लासी लग रहा है. अगर मैं आपको एक हुडी रेकमेंड करूँ ना तो वो ये डेफिनेटली होने वाली है.
सो द नेक्स्ट वन इज अ टी शर्ट हुडी, बिकॉज अभी का जो सीजन है ना, अभी बहुत सारी जगह ऐसा भी हाल हो गया है कि बिल्कुल ठंड चली गई है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम टी शर्ट हुडी ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम है जब मैंने कॉम्बो ऑफर्स देखे थे फ्लिपकार्ट पे, बिकॉज फ्लिपकार्ट पे आपको कॉम्बो ऑफर्स भी मिलते हैं प्लस बहुत रीजनेबल प्राइस में, बिकॉज इसका प्राइस था 518 रुपीज। 518 रुपीज में आपको दो आइटम्स मिलते हैं, लाइक आपको दो टी शर्ट हुडी मिलती है। सो इनका जो फैब्रिक है ना वो है टी शर्ट वाला, जो कॉटन फैब्रिक आता है, बट इनका जो डिजाइन है ना वो हुडी पैटर्न में। सो एक ये रेड कलर की उसमें आई थी, सो दिस इज द रेड कलर, द कलर बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है मुझे, एंड इसमें जो फ्रंट में डिजाइन है ना वो कुछ पता ही नहीं क्या बना है। सो यहाँ पे आपको ये मिलेगी टी शर्ट पैटर्न में हुडी, एंड ये थोड़ी सी लाइक वो लूज पैटर्न में रहती है, मुझे बेसिकली वो लूज पैटर्न ही पसंद है इसलिए मैंने ये वाला पिकअप करा था। एंड आपको कैप मिलेगा एज आई सेड कि आपको हुडी पैटर्न में मिलेगा, मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे क्रॉप आएगी एज सच, बिकॉज वो उससे ज्यादा क्रॉप थी इसके पहले वाली जो मैंने शो करी थी। एंड सेम मैंने इसमें ग्रे कलर लिया था, लेकिन दोनों के फैब्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मुझे इसका फैब्रिक ज्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक मेरे पास एक ग्रे टी शर्ट थी फुल में ठीक ऐसी, एंड वो मैंने इतना पहना है, सो ये मुझे उसी का याद दिला रहा है, लाइक ये वाली जो हुडी है ना ये मुझे वैसी ही लग रही है। सो इसे तो मैं लाइक इतना पहनने वाली हूँ ना, सो ये ग्रे कलर की है, एंड इसमें मेंशन है नेवर लुक बैक। ऑफ कोर्स हमें कभी भी पास्ट का रिग्रेट नहीं करना चाहिए, सो हमें कभी भी पास्ट को देखना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि प्रेजेंट पे ध्यान दो वो ज्यादा मैटर करता है। सो दिस इज द टी शर्ट हुडी, एंड यू कैन सी हाउ प्रिटी इट इज लुकिंग। आपको कैप मिलेगा, फुल स्लीव्स, दिस इज लाइक अ परफेक्ट कॉम्बो फॉर दिस सीजन, बिकॉज अभी जो सीजन है ना लाइक अप्रैल तक तो नहीं, बट फिर भी मार्च तक आप ये वाली हुडीज डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, टी शर्ट हुडी, बट ऑफकोर्स समर के टाइम पे भी ये काम आने वाली है, बिकॉज टैनिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप फुल स्लीव के कपड़े पहनो, तो उसके लिए आप ये वाला आइटम डेफिनेटली चेक कर सकते हैं, एंड अभी सेल के टाइम पे तो ये और अच्छे ऑफर्स में मिल जाएगा। Alright, so now I have two jackets, and दोनों ही जैकेट टोक्यो टॉकीज की हैं। As I said, टोक्यो टॉकीज की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बिकॉज उनके जो आइटम्स रहते हैं ना मुझे उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, एंड ऑल्सो फ्लिपकार्ट पे आपको क्वालिटी एश्योर मिलते हैं सारे आइटम्स। तो ये वाला जो ग्रीन वाला है ना, ये पर्टिकुलरली मैंने इसके कलर की वजह से लिया था, बिकॉज ग्रीन जैकेट मुझे यूजली मुझे वो डेनिम में मिलती थी, ये भी डेनिम है, बट द थिंग इज वो जो नॉर्मल डेनिम जैकेट्स आती है ना लाइक जो ब्लू और ब्लैक आती है उसमें ही मुझे ग्रीन मिला था, मुझे थोड़ा हटके चाहिए था ग्रीन में, दैट्स व्हाई मुझे ये वाली मिली टोक्यो टॉकीज की। एंड यू कैन सी यहाँ पे नीचे जो है ना यहाँ पे इलास्टिक है, तो इसका जो लुक है ना वो वैसे ही थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एंड यहाँ पे आपको कैप नहीं है ये वाली जैकेट में, तो यहाँ पे आपको फ्रंट सेक्शन में ये चेन मिलेगी, एंड इसकी जो क्वालिटी है ना वो है डेनिम क्वालिटी में ही, बट द थिंग इज इसकी जो स्लीव्स है ना वो ओवर साइज में, एज यू कैन सी, तो उसकी जो स्लीव्स है ना वो ओवर साइज लुक में आएगी, एंड ऑल्सो जैकेट्स इज लाइक प्रीटी क्रॉप, आपको ये थोड़ी सी क्रॉप पैटर्न में आएगी। द प्राइस इज लाइक 719 to 750 की रेंज में, बट अगेन इस प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छी डील कहीं नहीं मिलने वाली है, बिकॉज जो नॉर्मल डेनिम जैकेट्स रहते हैं ना मैं उनका मान सकती हूँ कि आपको उससे नीचे मिल जाएगा प्राइस रेंज में, बट ये वाली जो जैकेट है ना ये आपको नॉर्मली इतने अच्छे प्राइस रेंज में नहीं मिलने वाली है, इसलिए ये वाला आप डेफिनेटली चेक करना, बिकॉज नॉर्मली जीन्स वगैरह के ऊपर या फिर ट्राउजर्स वगैरह के ऊपर ये सारी जैकेट्स बहुत अच्छी लगती है। ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रहा है कि मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ लाइक द के ड्रामा आउटफिट वाली, तो उसमें मैं ये वाली जैकेट्स डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ, बिकॉज जैकेट्स इज लाइक वहां के फैशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, तो इसलिए मैंने ऐसी बहुत सारी जैकेट्स पिकअप ऑलरेडी कर ली है, एंड मैं ऑलरेडी देख भी रही हूँ कि मुझे और क्या क्या चाहिए उनके फैशन को रिक्रिएट करने के लिए। सो या स्टेट लास्ट आइटम इज अगेन फ्रॉम टोक्यो टॉकीज, एंड ये भी जैकेट ही है जो मैंने ग्रीन वाली शेयर करी ना, इसी का मतलब मिलता जुलता भाई है मैं कहूंगी, बट दिस इज इन द ब्राउन शेड, ब्राउन शेड एंड कॉफी शेड इज लाइक मुझे पर्सनली मैं उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे वो पर्टिकुलर कलर जो मतलब ब्राउन के सारे शेड्स रहते हैं ना मुझे वो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा क्लासी लगते हैं, मतलब उससे मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक व्हाइट कॉमन कलर्स रहते हैं बट जो ब्राउन शेड है ना वो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं कभी भी ट्राउजर्स वगैरह लेने जाती हूँ या फिर मैं शर्ट देखती हूँ तो मैं हमेशा क्रीम और ब्राउन ये सारे शेड्स में ही जाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट जैसे ही मैंने ये ब्राउन कलर की जैकेट देखी ना टोक्यो टॉकीज पर वो भी सेल में, मैंने तुरंत विशलिस्ट करी, मैंने कहा इसे तो मैं जाने नहीं दूंगी, ये मुझे मिली थी 650 रुपीज की, तो ये उससे ज्यादा अच्छी है, मतलब वो वाली जो है ना वो आपको मिलेगी 750 की रेंज में आई गेस, बट ये आपको मिलेगी 650 की रेंज में। सो आपको इसमें पॉकेट्स भी मिलते हैं, तो फ्रंट में आपको ये दो पॉकेट्स मिलेंगे, एंड इसका जो लुक है ना वो सेम है, लाइक इसकी जो स्लीव्स है ना वो ओवरसाइज में है, तो
यहाँ पे आप देखेंगे ये ओवरसाइज स्लीव्स के पैटर्न में है, मतलब वो जो बलून स्लीव्स वाला पैटर्न आता है ना, ये ठीक वैसा ही है। एंड ये क्रॉप पैटर्न में ही आएगी। जो ओवरसाइज कैटेगरी में जो जैकेट्स आती है ना, ये वैसी बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, मुझे पर्टिकुलरली ये डेनिम की क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी थी, बिकॉज नॉर्मली जो डेनिम क्वालिटी रहती है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड रहती है, स्टिफ रहती है। तो ये वाला उस कैटेगरी में नहीं है। मतलब ये जो डेनिम है ना, ये है तो डेनिम ही, बट बहुत ज्यादा लाइट वेटेड डेनिम है मैं कहूंगी। इसलिए पर्टिकुलरली मुझे टोक्यो टॉकीज की जैकेट्स बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसके अलावा आई गेस मैंने बहुत सारी टोक्यो टॉकीज पे ऑलरेडी देखी थी जैकेट्स वगैरह। इनकेस इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज लेट मी नो, मैं जरूर इसका पार्ट 2 शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय माय टुडेज वीडियो, एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको फ्लिपकार्ट से और क्या क्या पसंद है, सो दैट आई कैन क्रिएट मोर सच वीडियोस फॉर यू गाइज। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम एंड स्टे नेगेटिव। बाय।